सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एयर मास होती क्या है, फ्रंट्स क्या होते हैं और साइक्लोन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर मास की या वायु राशि की। वायुमंडल की उस विस्तृत और सघन राशि को वायु राशि कहा जाता है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर भौतिक गुण, जिसमें आपका टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, और ये सारे लक्षण 37 मतलब हॉरिजेंटली सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो एयर मास है उसकी उत्पत्ति उसी जगह पे होती है जहां पर धरातल के पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी समान हो, एक जैसी हो, जिसकी वजह से किसी वायु राशि का ओरिजन होता है। ठीक है, सीधी अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो जो एयर मास है वो वायु राशि होती है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली क्वालिटी लंबे एरिया तक समान होती है। फिर इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कई टीचर्स ने, जिसमें आपका सबसे पहले आता है त्रिवार्था और होर्न, जिन्होंने बताया वायु राशि वायुमंडल का वह विस्तृत भाग है जिसमें तापमान, आर्द्रता और जल स्थैतिक स्थिरता 37 दिशा में अपेक्षाकृत एक समान रखते हैं। दूसरी आती है आपकी क्रिसफील्ड की, उन्होंने बताया वायु राशि वायुमंडल का वह विस्तृत भाग है जिसमें तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशेषताएं 37 दिशा मतलब हॉरिजेंटली सेम हो, उनमें कोई डिफरेंस ना मिले। उसके बाद स्टीफन्स की है, स्टीफन्स ने एयर मासेस को डिफाइन किया है, उन्होंने बताया वायु का वह विशाल भाग जिसके हर स्तर पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी परिस्थितियां लगभग एक जैसी हों तो उसे कहा जाता है वायु राशि। उसके बाद पीटरसन की है और डोनाल्ड की है, ये भी पढ़ लेना, कम से कम अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो 4-5 डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एयर मासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। जैसे मैंने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन में बताया, उसी से इसकी जो क्वालिटी है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता चलती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कि जो वायु राशि है वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली होती है। इट मीन्स ये कि ये लंबे एरिया को कवर करती है, लंबा चौड़ा एरिया होता है जिसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। दूसरा, कभी कभी विशालता में तो ये वायु राशि एक महाद्वीप के पूरे एरिया को ही कवर कर लेती है। इट मीन्स जैसे आपका साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही एयर मास मिलती है आपको। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई की दृष्टि से ये पूरे सौरमंडल में फैली होती है और इसमें कई सारी परतें होती हैं, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की क्वालिटी हर परत में सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता। लेकिन जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि आपस में मिलती हैं तो उसके जो सीमांत क्षेत्र होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं जब दो वायु राशियां एक दूसरे के अंदर मिलती हैं। अगर एक वायु राशि का एरिया है तो वहां सेम मिलेंगी, ये डिफरेंस है। उसी के बाद आता है कि जो वायु राशि में टेम्परेचर और आपकी ह्यूमिडिटी है उसका लंबवत जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें अंतर आता है तो उसी के कारण जो कंडेंसेशन की क्रिया है वो स्टार्ट होती है, जिससे वर्षा की मात्रा डिपेंड करती है कि वायु राशि में कितनी ह्यूमिडिटी थी और उससे होने वाली रेनफॉल कैसी होगी। उसके बाद आती है इसकी इम्पोर्टेंस कि जो वायु राशियां हैं उनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ऋतु परिवर्तन की जितनी घटनाएं होती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो वायु राशियों से जुड़ी हुई होती हैं। जितने भी एयर फ्रंट बनते हैं वो एयर मासेस के मिलने से ही बनते हैं। उसके अलावा जितने भी तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं इनमें पाई जाती हैं
वो जिस एरिया में पहुंचती हैं वहां पर उसी क्वालिटी का एटमॉस्फेयर बना देती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वायु राशियों की प्रकृति। आर्द्रता की उपस्थिति के कारण वायु राशि किसी क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करती ही करती हैं। उसके साथ साथ जो तापमान की विशेषता है उसके कारण जिस एरिया में ये गुजरती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में ठंडी एयर मास आई है, इट मीन्स वहां पे जब वो एयर मास पहुंचती है उससे पहले जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से ही तो हम कंपैरेटिवली ये बोल सकते हैं ना कि जो एयर मास थी वो ठंडी है, क्योंकि टेम्परेचर पहले उस एरिया का ज्यादा था। उसके बाद इसके लिए कुछ अनुकूल दशाएं होती हैं जिनमें एयर मासेज का ओरिजिन होता है। फर्स्ट उसमें आती है टेम्परेचर और आर्द्रता की समान दिशाओं से युक्त एक लंबा चौड़ा एरिया इनको चाहिए। दूसरा, उत्पत्ति क्षेत्र पर पूरी तरह से स्थलीय भाग हो या पूरा समुद्री भाग हो। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोर्शन आपका स्थल का हो जाए और कुछ समुद्र का हो जाए। अगर ऐसा होगा तो जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की क्वालिटी है वो सेम नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो एयर मास है उसका ओरिजिन वहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कि जो वायु राशियां हैं उसमें हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है उसकी वजह से ही डाइवर्जेंस होता है कि वो स्पीड कितनी है। और जो उद्गम क्षेत्र है बड़े पैमाने पर वायु का वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ उतरना जरूरी होता है, तभी किसी एयर मास का ओरिजिन होता है। उसके बाद सोर्स रीजन दिए हैं एयर मासेस के कि जो हमारी अर्थ है उस पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे एयर मासेस का ओरिजिन होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र जिसमें अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन आता है, जो शीत ऋतु है उसमें नॉर्थ ओशन। सेकंड आता है आपका ध्रुवीय और आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र जिसमें यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग आते हैं। थर्ड आता है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। फोर्थ आता है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। फिफ्थ आता है भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र और सिक्स है आपका मानसूनीय क्षेत्र। एक पर्टिकुलर एरियाज बताए हैं अर्थ पर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एयर मासेस का ओरिजिन होता है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। जो फर्स्ट हमने जैसे देखा ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र एक पोलर रीजन है और उसमें भी जो आपका समुंदर वाला एरिया है, मेराइन वाला जो एरिया है वहां पे एयर मास का ओरिजिन होगा। दूसरा, जो ध्रुवीय और आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें कुछ पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का लिया है उन्होंने, एक वहां से एयर मास का ओरिजिन होगा। उसके अलावा उष्ण कटिबंध में दोनों अलग किए इन्होंने, महाद्वीपीय और महासागरीय, और जो भूमध्य रेखा है उस पे सिर्फ महासागरीय और मानसूनीय क्षेत्र को शामिल किया है जहां से एयर मासेस का ओरिजिन होता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है एयर मासेस का वो चार मेनली चार नहीं तीन बेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका उद्गम क्षेत्र के आधार पर, दूसरा आर्द्रता और धरातल की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा आता है आपका प्रक्षेप मार्ग किस रास्ते से वो जाती हैं उसके आधार पर इनके डिवीजन किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले उद्गम क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र मीन्स जहां से उसका ओरिजिन होगा वो एरिया कैसा है उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया, जिसमें सबसे पहले इसमें दिया है टेम्परेचर के बेस पे जो पोलर रीजन है वहां पे जो एयर मास का ओरिजिन होगा उसको पी से डिनोट किया है इन्होंने। और जो पी जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे जिन वायु राशियों का ओरिजिन हुआ उनको पी या पोलर वायु राशियां कहा गया। इसके अलावा जो ध्रुवीय वायु राशियां थी उसमें एक आर्कटिक क्षेत्र के लिए इन्होंने ए वर्ड को यूज किया है।
सेकंड आपका ट्रॉपिकल एयर मास, ट्रॉपिकल के लिए इन्होंने टी वर्ड का यूज किया है, और उसमें इक्वेटोरियल को अगर अलग करते हैं तो उसके लिए ई का ई वर्ड, जो इंग्लिश का कैपिटल वर्ड ई होता है उसको यूज किया है। याद रखना जो एयर मासेस का क्लासिफिकेशन है उसमें जिस रीजन से वो ओरिजिन हो रही है उसी के अल्फाबेट पे इनके नाम रखे गए हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला हमने किया पोलर एयर मास, उसको पी से दिखाएंगे, ट्रॉपिकल को टी से दिखाएंगे, फिर ह्यूमिडिटी के बेस पे है तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल मतलब जो महाद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, जो स्थलीय भाग हैं, वहां से किसी एयर मास का ओरिजिन होगा तो उसको सी से दिखाएंगे, जिसमें जो क्वालिटी है वो अलग होंगी। इसी के साथ दूसरा जो है वो है महासागरीय, जिसे मैरिटाइम एयर मास के नाम से भी रखा गया है, और इसको हमेशा एम से दिखाते हैं, इसको एम से दिखाएंगे। आगे इन्होंने डिवीजन कर करके दिखाए हैं, टोटल ये इस तरह से बनते बनते 16 एयर मासेस बनती हैं अर्थ पर जो मूव करती हैं, ठीक है। Yes, ma'am. समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. उसके बाद इसमें जो आपकी प्रक्षेप के आधार पर, इनके जो रास्ता है उसके आधार पर डिवीजन किया है, उसमें जो थर्मल डायनामिक है उसमें मॉडिफिकेशन करके इन्होंने कौन सी कोल्ड है, जो कोल्ड एयर मास होगी उसको के वर्ड से दिखाना है, और जो हॉट होगी, जो गर्म होगी उसको वार्म डब्ल्यू वर्ड से दिखाना है। उसके अलावा जो आपका डायनामिक फैक्टर होता है एयर मास का, उसके लिए दो वर्ड इन्होंने यूज किए हैं, जिसमें स्मॉल यू किया है अनस्टेबल के लिए, और एस वर्ड यूज किया है, स्मॉल एस यूज किया है स्टेबल के लिए। आगे एक फ्लो चार्ट दिया है बुक में, देखो आप उसको देख के समझ आ जाएगा आपको जो ये डिविजन है कैसे कैसे किया हुआ है। जैसे फर्स्ट एयर मासेज आपकी ली गई पोलर रीजन की, जिसमें पहले यहाँ पे लिखा होगा पी, पी से स्टार्ट हुआ, और नीचे वाली है टी, मतलब ट्रॉपिकल रीजन से, पहले दो हो गई पी और टी, ठीक है। बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख सकते हैं उसको, पी एंड टी से स्टार्ट किया, फिर उसमें इसके दो डिविजन किए, एक कॉन्टिनेंटल एक मैरीटाइम, मतलब एक सागरीय और एक महाद्वीपीय। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. उसके बाद जैसे पहला हम लेंगे कॉन्टिनेंटल पोलर, उसके फिर दो डिवीजन किए इन्होंने, एक गर्म एक ठंडी। जो गर्म होगी उसको लिखा जाएगा सी मतलब कॉन्टिनेंटल, पी मतलब पोलर, एंड डब्ल्यू फॉर वार्म, गरम जो होगी, और जो ठंडी होगी उसको कहा जाएगा सी पी के, के फॉर कोल्ड। पहले इन्होंने ये अल्फाबेट सेट कर लिए कि किस वर्ड के लिए कौन सा आपको अल्फाबेट यूज करना है, और उसके बाद इसका डिवीजन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं, जैसे पहले वाली है कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड है, उसके फिर दो डिवीजन कर दो, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। स्टेबल के लिए स्मॉल एस वर्ड यूज करना है और अनस्टेबल के लिए यू वर्ड यूज करना है। फिर उसी का दूसरा पार्ट अगर देखते हैं हम, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एयर मास, उसके फिर दो डिवीजन, स्टेबल और अनस्टेबल। उसी तरह से ये हमने की कॉन्टिनेंटल की, अब इसकी इसी का दूसरा पार्ट होगा मैरिटाइम पोलर एयर मास, जिसमें पहले उसके दो डिवीजन कोल्ड एंड वार्म, फिर उसके जैसे कोल्ड के फिर दो स्टेबल और अनस्टेबल, और वार्म के भी दो स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। इस तरह से जो आपके पोलर रीजन की हैं वहां की हो गई आपकी टोटल 8 एयर मासेस। हिंदी में इनके नाम भी दिए हुए हैं, जैसे सी पी के एस मतलब महाद्वीपीय, ध्रुवीय, ठंडी और स्थिर वायु राशि, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल एयर, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Okay. अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये था पोलर रीजन के लिए, दूसरा है आपका ट्रॉपिकल रीजन के लिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए।
उसमें फिर पहले वाले की तरह दो डिवीजन किए, एक कॉन्टिनेंटल एक मैरीटाइम। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल के दो पार्ट किए इन्होंने, जैसे एक कोल्ड एक वार्म। फिर जो कोल्ड होगी उसके दो, उसी तरह से जैसे हमने पहले किए हैं, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। उसी तरह से वार्म के एक स्टेबल एक अनस्टेबल। अब जो लास्ट वाला है जिसमें मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, उसके डिवीजन आप बताओ वन बाय वन। सबसे पहले बोलो, ट्रॉपिकल के जो हमने मैरीटाइम ट्रॉपिकल होगा उसके पहले दो डिवीजन क्या क्या होंगे? ट्रॉपिकल, वेरी गुड, कोल्ड, स्टेबल। कोल्ड होगा पहले दो डिवीजन में होगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड, और दूसरा होगा इसका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म। सिर्फ दो डिवीजन करने हैं आपने पहले, फिर इन दो के दो दो अलग होंगे। फिर जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड है उसके दो डिवीजन में आएगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है? यस सर। ओके, अब दूसरा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म। इसके आगे दो अगर डिवीजन करने पड़े तो वो क्या होंगे? मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, और दूसरा मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। वेरी गुड, मतलब समझ आ गया ना ये डिवीजन सीधा सा है। जो ये वर्ड है कैपिटल वर्ड्स हैं, इनको याद कर लिया, उसी के हिसाब से इनकी क्वालिटी याद करनी है आपको, और इनके नाम भी उसी से डिसाइडेड होते हैं। 16 है, अगर ऐसे रटने बैठ जाओ तो आप भूल जाओगे, लेकिन इसको याद करने का जो इजी वे है वो यही है कि आप इस तरह से इसका डिवीजन करते चलो। जैसे फर्स्ट में लिख लो ए, ए मीन्स एयर मास। एयर मास के टू डिवीजन, पी फॉर पोलर, टी फॉर ट्रॉपिकल। ओके, ट्रॉपिकल। फिर उसके बाद जैसे जो पोलर है उसके दो डिवीजन, एक हो गया कॉन्टिनेंटल, दूसरा हो गया मैरीटाइम। फिर कॉन्टिनेंटल के दो कर दो, एक कोल्ड एक वार्म। फिर जो कोल्ड थी कैपिटल, जो कॉन्टिनेंट की थी पोलर रीजन की, उसके फिर दो, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। समझ आ रहा है ना ये? अनस्टेबल। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे फ्रंट्स वाला है, वो इन्हीं के बेस पे है कि एयर मास मिलके फ्रंट्स कैसे बनाती हैं। आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी अपने आप रोल नंबर लिखो चैट बॉक्स में।